सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्केल नंबर 9। तो ये हमारा जो स्केल है ये एक टूल है, तो इसकी मैंने पेपर डिवीजन कर रखी है क्योंकि पेपर डिवीजन मैंने आपको पहले करवाई है। इस तरह से इसकी पेपर डिवीजन होनी है। इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ है 29 सेंटीमीटर और हाइट है 42 सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख रहे हैं तो इसकी जो ब्रेथ और लेंथ जोड़ के वो ज़्यादा आ रही है, इसलिए हमने स्केल को जो है वो लेंथ में बनाया है। कागज़ हमने लेंथ में रखा है। पेपर डिवीजन हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। हमने स्केल बनानी शुरू करनी है, तो हम हमेशा एलिवेशन से स्केल बनानी शुरू करते हैं। एलिवेशन में हमारे पास सबसे पहले जो हमें दिख रहा है वो है आपका सामने ऊपर, इसमें एक फट्टी लगी हुई है 2 सेंटीमीटर की। तो इसमें जो फुट्टा यूज हुआ है वो है 1.5 सेंटीमीटर का। तो ये आप देख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर का इसमें फुट्टा यूज हो रहा है, तो हमने भी वही यूज करना है। यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर की सबसे पहले हम ऊपर फट्टी लगाएंगे, जैसे कि आपको नियम का पता ही है कि हम उस हिसाब से कार्य करता है कि हमें जो है वो रबड़ का प्रयोग कम से कम करना पड़े, तो हम इसलिए सबसे पहले ऊपर 2 सेंटीमीटर की हम फट्टी लगा देंगे यहाँ पे। इस तरह से अब इसमें पाए बने हुए हैं और पाए 4x4 के हैं, तो हमने 4x4 के इसमें पाए लगाने हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड ऊपर भी और नीचे भी 4-4 सेंटीमीटर हमने इसको काटना है इस तरह से, और हम इन पायों को मिला देंगे 4-4 सेंटीमीटर को इस तरह से। ये देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम नीचे से या ऊपर से गिजर से भी शुरू कर लो, तो मैं इसको ऊपर से बनाना शुरू करता हूँ। ऊपर से 2 सेंटीमीटर के बाद यहाँ है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की फट्टी इसमें लगा देंगे। छः सेंटीमीटर हम यहाँ पे काटेंगे इसमें इस तरह से। अभी हम फिलहाल इसको अंदर ही हम डार्क लाइन लगाएंगे। बाहर हमने डॉटेड इसकी लगनी है, ये 2 सेंटीमीटर आएगी, ये हम नाप के इसमें लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे से ऊपर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के बाद फट्टी है हमारी 4 सेंटीमीटर की, तो हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पहले काटेंगे इसमें। स्केल में साइड में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बाद है 4 सेंटीमीटर, इसके बाद है 4 सेंटीमीटर यहाँ से। इस तरह से तो हम इसको मिला देंगे यह देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो फट्टी है ये दोनों साइड है, बाहर को भी है, तो यहां से हमने इसको डॉटेड दोनों साइड बाहर को बढ़ा देना है यहां से इस तरह से। अब हमने इसमें 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, फिलहाल मैं पहले 2 सेंटीमीटर आपको बताऊंगा, तो हमने यहां से निशान लगाना है इसमें। ये हमारा 2 सेंटीमीटर, ये हमारा 1 सेंटीमीटर, मैं बताऊंगा ये हमने कहां लगाना है। तो यहां पे ये हमारा है 2 सेंटीमीटर, ये हमारा है 2 सेंटीमीटर,
यहाँ भी हम इसी तरह से इसमें निशान लगाएंगे, ये हमारा 2 सेंटीमीटर है और ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। यहाँ जो ऊपर हमारा है ये तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही आएगा, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ 2 सेंटीमीटर हमारा डॉटेड यहाँ पे आना है। इस तरह से, और 1 सेंटीमीटर जो है इसमें पतली फटिया लगी हुई है साइड में, जब हम साइड बनाएंगे तब आपको पता लगेगा। यहाँ पे हमने यहाँ तक नीचे 1 सेंटीमीटर इसमें, ये देखिए आप 1 सेंटीमीटर है, इसमें हमने डॉटेड लाइन लगानी है इसमें 1 सेंटीमीटर की, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ये हमने यहाँ पे इसमें डॉटेड हमने लाइन लगानी है यहाँ पे, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये फट्टी हम साइड में शो करेंगे, मैं बताऊंगा ये हमने क्यों इस तरह का बनाया है। तो इस तरह से अब हमारी जो एलिवेशन है वो भी बनके तैयार होगी। एलिवेशन में सिर्फ इतना ही काम है, हमने साइड बनानी शुरू करनी है। तो साइड में भी सबसे पहले हमने ये जो आपका 2 सेंटीमीटर है यही हमने लेना है यहाँ पे, हम यहाँ पे निशान लगा देंगे 2 सेंटीमीटर का, यहाँ का 2 सेंटीमीटर है। यहाँ हम नहीं नाप रहे इसको, हम सिर्फ सीधा इसी के साथ यहाँ पे इसको मिला देंगे, यहीं से हम इसका निशान ले लेते हैं ये इस तरह से। तो ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से आप नापने से बच जाते हैं। फिर हमने इसमें पाए बनाने हैं, उसके बाद 4-4 सेंटीमीटर के इसमें पाए बने हुए हैं, तो हमने यहाँ से 4 सेंटीमीटर का पाया हम इसमें बना देंगे। आपने नाप बड़े सावधानी से लेने हैं, बिल्कुल आराम से, आपका पेंसिल का जो खत है वो बहुत शार्प आपका होना चाहिए, तभी आपकी स्केल सही बनेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब जो हमारे 6 सेंटीमीटर ये भी हमारा इसी तरह से यहाँ पे साइड में आना है, तो यहाँ से मैं 6 सेंटीमीटर का निशान लगा देता हूँ इसमें, आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम जो है वो ये 6 सेंटीमीटर इसी को ही हम यहाँ पे इसी का निशान ले लेंगे इस तरह से, अंदर ये इस तरह से आएगा और बाहर जो है वो 2 सेंटीमीटर ही आएगा, तो वो भी हम ले लेते हैं इसमें। इस तरह से हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं डॉटेड, ये हमारा डॉटेड आना है साइड में 2 सेंटीमीटर इस तरह से आप देख सकते हैं। ऊपर का ये हमारा कार्य है, नीचे हमने क्या करना है इसमें 10 के बाद हमारा है 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हमने 10 सेंटीमीटर काटना है यहाँ से, तो हम यहाँ निशान लगा देंगे ये 10 सेंटीमीटर है, 10 के बाद हम यहाँ निशान लगा देते हैं 4 सेंटीमीटर पे, और हम इसके साथ इसका ही यहाँ पे हम प्रोजेक्शन ले लेंगे, ये आप देख सकते हैं इसी के सीध में हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं इस तरह से, और ये आप देख सकते हैं ये हमारा है 4 सेंटीमीटर है। तो ये भी जो हमारी फट्टी है वो अंदर पाए में है, तो यहाँ से हमने इसमें 2 सेंटीमीटर इधर को हमने इसमें बढ़ाना है, और हम यही जो है ये वाला जो प्रोजेक्शन है ये हम इसको नीचे यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब इसमें यहाँ पे
ये जो फट्टी है 1 सेंटीमीटर चौड़ी फट्टी है, इस तरह से इसमें यहाँ पे तीन सेंटीमीटर की फट्टियाँ है, तो हम यहाँ पे तीन सेंटीमीटर फट्टियाँ काट देंगे। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है, यदि आप देख रहे हैं 21 सेंटीमीटर है, यहाँ पे तीन सेंटीमीटर की फट्टियाँ है, तीन के बाद गेप है, तो 1, 2, 3 है, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। इस तरह से अभी मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे हमने ये छांटना है। ये हमारा है 3, 6, 9, 12, 15 और 18। अब हमने क्या करना है, ये हमारा गेप है, ये जो हमारी फट्टी है, ये है हमारी फट्टी, ये हमने यहाँ से अंदर निकालनी है, इसके डॉटेड हमने लगाने हैं यहाँ से, इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, इसका तो डॉटेड भी पूरा नीचे तक आना है। इस फट्टी का, बीच वाली फट्टी का, इस तरह से, अभी तो ये आपके लिए सारी लाइनें आपको सीधी दिख रही है। और हमने क्या करना है, ये हमने यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर मोटी है यहाँ से, तो हमने 1 सेंटीमीटर इधर को भी निकालनी है, तो यहाँ से हम एक सेंटीमीटर का निशान यहाँ लगा देंगे, और 1 सेंटीमीटर का निशान हम इसमें यहाँ लगा देंगे, नीचे भी हम इसमें 1 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी इस तरह हम इसमें निशान लगा देंगे। और अब हमने क्या करना है, जो ये हमारी फट्टियाँ हैं उनको हमने यहाँ पे डॉटेड शो करना, इस तरह से जो हमारा स्पेस होगा उसको हमने यहाँ पे छोड़ देना है, इस तरह से। आप देख रहे हैं ये फालतू लाइनें हम मिटा देंगे, तो आप देखिए अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये फट्टी है, ये आपका स्पेस है, ये फट्टी है, स्पेस है, ये फट्टी है, इस तरह से। नीचे भी हम इसमें डॉटेड जो हमारी लाइनें आई है इनको मिला देते हैं यहाँ पे, इस तरह से और इस तरह से, ये दो ही यहाँ पे मिलेगी लाइनें, बीच वाली नहीं मिलेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं मिलाई है, तो ये जो हमारी फट्टी है, ये हमारी ये वाली फट्टी, ये जो फट्टी ये मोटी हमारी है 4 सेंटीमीटर साइड में, जो आपकी एलिवेशन वाली फट्टी है ये मोटी 4 सेंटीमीटर है, और चौड़ी है 3 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं आपकी बुक में, जो मैंने दिखा रखी है यहाँ पे साइड में स्केल, जो हमने सॉल्व करनी है वो स्केल यहाँ सामने है, उसमें आप देखिए ये जो फट्टी है बीच में जो फट्टी है जो आपको यहाँ पे एलिवेशन में दिख रही होगी, इसमें इसमें नीचे 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ऊपर दिख रहा होगा 3 सेंटीमीटर, चौड़ी ये 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये इस तरह आपका बन जाएगा, और ये आपकी स्केल जो है वो बन के यहाँ साइड आपकी जो है वो बन के अब तैयार हो गई है। यहाँ से इतना ही कार्य आपका इसमें साइड में जो है वो बनना है, और हमने इसके प्रोजेक्शन लेने हैं नीचे, उसके लिए आपका प्रोजेक्शन के लिए, तो हम यहाँ से ये पहले 2 सेंटीमीटर है, तो हम ये 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, इस तरह से हम फटाफट इसके जो है प्रोजेक्शन ले लेंगे। हम इसके प्रोजेक्शन सेट स्क्वायर से भी ले सकते हैं, तो यहाँ लंबी लंबी लाइन है, हम इसके प्रोजेक्शन फुट्टे से ही ले रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा है 4 सेंटीमीटर का है, ये हमारा है 2 सेंटीमीटर का, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। वो हमने क्या करना है, सेट स्क्वायर से जैसे हम अभी तक लेते आए हैं, हमने इसके जो प्रोजेक्शन है वो सेट स्क्वायर से लेने हैं यहाँ पे, तो हमने सबसे पहले इस तरह से हम देखेंगे, यहाँ से हमने प्रोजेक्शन लेने हैं साइड तक पहले, फिलहाल ये 2 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे इसमें हल्का सा निशान लगा देंगे, और ये आपका है 4 सेंटीमीटर का, इस तरह से ले सकते हैं हम, इस तरह से भी ले सकते हैं हम यहाँ से इसके हिसाब से, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा है
3 सेंटीमीटर की रेखा वाला है, यहाँ से इसको हम क्रॉस भी कर देंगे यहाँ पे। और ये जो हमारा निशान है ये हमारा है 3 सेंटीमीटर की रेखा वाला है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सारे प्रोजेक्शन हमने एक बार साइड में इसमें ले लेने हैं यहाँ से। ये आपका 2 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने ये इसके हमने प्रोजेक्शन लेने हैं यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा 4 सेंटीमीटर, तो इसके लगभग हमने यहाँ से जो है डॉटेड लाइन लगानी है इस तरह से। यहाँ भी हम लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसको जो है ना आगे बढ़ा देंगे, इसको मिला देंगे हम। तो यहाँ से हम फुट्टे से मिला सकते हैं इसको, हम बड़ा फुट्टा ले लेते हैं। तो एक हमारा ये है, एक हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको मिलाएंगे इस तरह से, यहाँ से और यहाँ से हम इसको मिला रहे हैं। ये हमारा आ गया डॉटेड, ये भी हमारा आ गया डॉटेड। देखिए ऊपर वाले दोनों पाए बन गए हमारे, नीचे हमारा ये आपका 4 सेंटीमीटर है, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से, ये आपका है 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे भी इसको मिला देना है डॉटेड इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब इसमें बनेगा 2x2 के चारों साइड इसमें पट्टियाँ लगी हुई है। तो हमने 2x2 का जो आपका ये है हमारा 2x2 का निशान है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, इसको भी हम यहाँ पे डॉटेड लगा देंगे सकते हैं। और यहां भी हम 2x2 का निशान लगा देंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। इधर को भी हमने 2x2 का निशान इसमें लगाना है, ये आपकी 2x2 की पट्टी है, ये आप देख सकते हैं। इसी के सीध में हमने ये लाइनें हमने यहां लगानी है 2x2 की इस तरह से। और जो ये फट्टी हमारी है ये आप देख सकते हैं ये साइड में है 4x4 की है। तो ये ऊपर तो ये 2 सेंटीमीटर की है, ये जो फट्टी है ये 6x2 की है, पर जो ये साइड की फट्टी ये फट्टी है ये 4x4 की है। तो यहाँ पे जो है ये 4x4 में भी ये पूरा डॉटेड आएगा इस तरह से। और यहाँ पे भी 4x4 का भी हमने डॉट लगाना है, दोनों साइड है ये बनी हुई इस तरह से। और ये हमारा जो 2 सेंटीमीटर है ये आपका 2 सेंटीमीटर वाला है, इसके भी हमने प्रोजेक्शन पूरे लेने हैं यहाँ पे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक एक सेंटीमीटर के इसमें जो ये फट्टी है ये आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये जो फट्टी है 3 सेंटीमीटर की चौड़ी है और 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का निशान लगा रखा है यहाँ पे, इसी को ही हमने आगे बढ़ाना है इस निशान को। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये हमारा ये आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर हमारा छूट गया था क्योंकि ये स्पेस है, ये हमारी फट्टी, तो हमने यहीं पर निशान लगाना है इस तरह से और इस तरह से। अब देखें तो इसको हमने जब हम इसको मिलाएंगे यहाँ पे इसके साथ, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से और इस तरह से साइड में हमें ये दिखेगा, पर ये बनेगा डॉटेड, डार्क नहीं आएगा आपका, बिल्कुल डॉटेड आएगा यहाँ से इस
तरह से, इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमने जो है वो दूसरे साइड में भी लेना है। यहाँ से हम पहले इसके निशान लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यही बनेगा हमारा। ऊपर से भी इसको एक सेंटीमीटर का ये जो हमारा स्पेस है इसके हिसाब से हम इसमें निशान लगा देंगे यहाँ पे। ये हमारा बन गया है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा जो है वो एक सेंटीमीटर चौड़ा है और 3 सेंटीमीटर ये हमारी लंबी है। बीच में इसमें एक फट्टी यहाँ बनी हुई है, ये 3 सेंटीमीटर की है। तो इसको हमने जो है वो यहाँ से बीच में इसमें फट्टी लगा देनी है हमने, और ये हमारी फट्टी है। ये दोनों साइड पूरी पूरी आएगी, ये यहाँ से आएगी पूरी इस तरह से, यहाँ तक ये बाहर तक आएगी, यहाँ तक आएगी और यहाँ से भी ये इसी तरह बनेगी। इस तरह से बनेगी आपकी, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से अब आपकी ये स्केल भी जो है वो बनके तैयार हो गई है। जो जो इसमें कार्य आना था वो हमने इसमें कर दिया। इसमें डार्क कुछ भी आपको ऊपर नहीं आना है, सब आपका डॉटेड आना है। अब इसमें सिर्फ बचता है एक फुट्टा यहाँ पे, इसमें जो स्केल नंबर है वो 1.5 सेंटीमीटर है। ये आपने यहाँ पे अपने आप बनाना है, ये आपके लिए गृह कार्य है, आपने खुद यहाँ पे बनाना है। इस तरह से ये आपकी स्केल नंबर 9 बन के तैयार हो गई है। आपने भी इसको बड़े अच्छे से अपने ड्राइंग बुक पे फाइल पे बनाना है।